दोस्तों स्वागत है आप सभी का। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा मिक्स फीलिंग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेब्जी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से करवा लिए होइएगा, चॉइस लॉक भी कर दीजिए होइएगा। एंड बस अब इंतज़ार है फर्स्ट राउंड का कि आपको क्या मिलता है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपके आपको कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला, एंड क्या आपको कोई हेल्प हुआ जो मैंने आप लोग को बताया था अरेंजिंग के लिए। मैंने बार बार बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोज़ डाले थे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो क्या आपको कोई हेल्प हुआ। तो ज़रूर ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोगों को हेल्प होगा। मैंने पहले भी जेई मेंस के ऊपर, नीट के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखिए, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। एंड स्पेशली मैं अभी नीट के वाले बच्चों के लिए कहूँगा, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड आ गया है। एंड देन सितंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी खास के ट्वेल्थ के स्टूडेंट है, जनरली क्या होता है ना, मेडिकल में बहुत सारे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके इवन 5 साल तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। तो खास के वैसे बच्चे जो, अगर आप फ्रेशर हो, दैट मीन्स कि इस बार ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिया, तो इतना बर्डन नहीं है। बट अगर आप यू नो 2 साल या 3 साल इन्वेस्ट अपना कर चुके हैं पहले से, इस बार आपको सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम मिला था, ठीक है, और अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास 15 दिन 16 दिन के आसपास टाइम है, जहाँ पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आप शुरू से पढ़ना चालू करो, क्योंकि ये चीज़ें संभव है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कहूँगा कि ज़रूर आपको नॉलेज इस चीज़ का होगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो ज़रूर, एंड बायोलॉजी के स्टूडेंट चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री में उतने अच्छे हो ना हो, बट वो बायोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं। और उन बायोलॉजी के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे पोर्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा वेटेज के आते हैं, तो ज़रूर उस चीज़ को पढ़ो, ठीक है। एंड फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखा है तब तो ठीक है, अगर नहीं बना रखा है तो ज़रूर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखो। आजकल बहुत कुछ फ्री अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो मैं कहूँगा अगर इस 15 दिन के अंदर आप सिर्फ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो इनफ होगा। बिकॉज अभी आप यानी कि शुरू से जाके कोई चैप्टर उठाओगे और लाइन वाइज पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, उल्टा आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, इतना दिन में जो भी आपने पढ़ा है वो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, एंड आप लोग को एक कॉन्फिडेंस पे बिल्डअप होगा कि नहीं, मैंने क्वेश्चन लगाया, देखते कैसा आता है। दूसरी बात, खास कर वैसे बच्चे जो जिनका तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिनको लगता है कि हाँ मैंने कुछ करा है, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में या जो भी आप लोग को एक्सटेंडेड टाइम मिला उसमें भी अगर आपने जम के मेहनत करा है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर एक टाइम टेबल और एक शेड्यूल ज़रूर बना के रखें, क्योंकि जो भी बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आपके शेड्यूल नहीं रहेंगे, डेली रूटीन आपका मेंटेन नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि खासकर जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम में आप क्या कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी मान लीजिए आपका स्लॉट होगा, उस स्लॉट में ज़रूर आप डेली जितने भी दिन बचे ना, उस स्लॉट में सिर्फ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, 3 घंटे बैठने की कोशिश करो। बिकॉज 3 घंटे आप अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करोगे ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाते हैं, डायरेक्ट 3 घंटे के लिए बैठते हैं, वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। इवन बहुत अच्छे बच्चे जिनका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा होता है, वो भी अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे बैठने का आदत ही नहीं है। तो अभी भी टाइम है, 3 घंटे आप बैठो, ठीक है, और 3 घंटे में दुनियादारी, घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उस चीज़ को भूल के सिर्फ आप एग्ज़ाम पे कॉन्सनट्रेट करो, ठीक है। इस 3 घंटे के बाद भी आपका दुनिया सारा का सारा जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो उतना यानी कि ज़्यादा सोचो मत,
अभी भी टाइम है, 15 दिन इनफ है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक से है तो रिवीजन के लिए बहुत इनफ है, एंड अगर आप अच्छे से करते हो तो ज़रूर आप कॉलेज पा सकते हो। तो कुछ थोड़ा सा पंक्चुअल बनो टाइम का, टाइम टेबल थोड़ा सा फॉलो करो, एंड जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है वो प्रैक्टिस करो। क्योंकि अब आपका एम ये होना चाहिए कि भाई इस बार तो मुझे लेना है, किसी भी हाल में लेना है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अगर आप हमेशा ये छोरों ने यार हो जाएगा, ले लेंगे कर लेंगे, तो फिर हर साल का यही आपका हो जाएगा कि आप यू नो गिव अप नेचर हो जाएगा आपका, जो आप गिव अप कर दोगे, तो वो चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है जेई मेंस के बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत नज़दीक है। इवन अब तो समझिए टाइम भी नहीं बचा है, बहुत सारे बच्चे यू नो बहुत सारे थॉट से गुजर रहे हैं कि क्या कैसे होगा, एंड बीच में सेफ्टी इशूज़ भी उठे थे, पोस्टपोनमेंट का भी चीज़ें सब उठा था। लेकिन यही मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होता है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, आपको सेंटर पता चल चुका है, तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप अपना सेफ्टी जरूर बरतें, क्योंकि सेफ्टी नहीं बरतने से घाटे हो सकते हैं, ठीक है। तो चाहे नीट के बच्चे हो, चाहे इवन वेबजी के बच्चे, अगर आप लोग जाते हो एडमिशन भी करवाने के लिए, वैसे अभी आप लोगों का टाइम है, बट फिर भी जाते भी हो तो ज़रूर आप लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बजाय कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन लेना या आपका एग्ज़ाम देना, ठीक है, ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जेई मेंस वाले बच्चों को यही कहूँगा कि अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आप यू नो 16-16 घंटे पढ़ो या 12-12 घंटे पढ़ो, नहीं, आपने जो पढ़ रखा है, ठीक है, आपने जो भी, इतना तो यकीन मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि आपने अच्छे से शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे कि क्या क्या जरूरी हो सकता है, ठीक है, उन चीज़ों पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो। सबसे अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा आइडियल है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, जितने से जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। मेरे बच्चे जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर होते थे, जहाँ पे उसको बताया जाता था कि ये गलती नहीं करना, वो गलती नहीं करना, इस बार आप लोगों को हो सकता है कि उतना मेंटरिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है, आपके पर तैयारी कितने भी अच्छे हो, तब तक आप अच्छे नहीं कर सकते हो जब तक आप लोग नेगेटिव मार्किंग पे आप अपना कंट्रोल नहीं करोगे। तो ज़रूर जो भी आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये सही ही आंसर है तो ही करना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे का मैंने मार्क्स देखा है कि नेगेटिव मार्किंग के कारण उनका रैंक इतना नीचे चला गया है, और जो उनको एक्चुअल नंबर आए हैं वो एक अलग ही आते हैं, ठीक है। तो जो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, वही, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगाने के लिए भी नहीं आते हैं, ठीक है। एंड ज़रूर आप लोग इस चीज़ को ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाएगा कि कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, एंड कौन सा ऐसा है जिस पे मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है आप लोग फाइंड करोगे कि कौन सा चीज़ मुझे सही तरीके से पूरा एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़रूर आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि नेगेटिव मार्किंग पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, उसको यू नो लालच में आके कोई भी ब्लैंक्स को ना भर दें कि हाँ देखते हैं इसका ऑप्शन ये भर देते हैं ठीक हो जाएगा, क्या पता, ये चीज़ें ना करें, कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर आप लोग भरें, ठीक है। एंड एक और बात कि जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है, तो उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि देखिए जब भी टाइम आते हैं ना किसी ऐसे चीज़ के, चाहे एग्ज़ाम के या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके साथ होने वाला है, एंड जब आपकी तैयारी नहीं होती डर लगता है, लेकिन एक चीज़ ही मैं कहूँगा कि इस डर से एक चीज़ सीखिए कि आगे ऐसा सिचुएशन आप नहीं आने देंगे जिस सिचुएशन से अभी जो भी बच्चे गुजर रहे हैं, ठीक है, ये आपको आगे के लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जो भी आगे एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके 2021 में या जो भी
इन फ्यूचर उसके लिए आपको प्रिपेयर करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डरना नहीं है एंड आपको ज़्यादा टेंस नहीं होना है कि यार मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीख लीजिए। सीख लेने के बाद आप अभी भी जो टाइम है ना, आप मैं पहले भी वीडियो में बताया कि आप एग्ज़ाम दे के आओ, आपकी तैयारी नहीं है कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दे के आओ और लग जाओ कि मुझे अब जो अगला एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होगा, चाहे नीट हो या जेईई मेंस हो, ठीक है, उसमें मुझे क्रैक करना है, मुझे उस लेवल का तैयारी करना है। अगर जब आप अपने आप से ये प्रण करोगे तो ज़रूर आप अपना 100% दोगे। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ज़रूर आप लोग अपना वैल्यूएबल थॉट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आप लोग कौन सा लाइन आप लोग को पसंद आया या क्या चीज़ें आप लोग को सही लगा या आप लोग अपना क्या इसमें नया जोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।